अगर आपके पास इंटरसेप्टर या फिर कॉन्टिनेंटल GT 650 है और आप अपनी बाइक के लिए एक हज़ार्ड लाइट या फिर हज़ार्ड मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं, तो नोवा ट्रॉनिक्स का ये मॉड्यूल बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सिमटेक का मॉड्यूल मुझे पर्सनली इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्विच देखने को मिलता है और जो उसका जो बॉक्स है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है। इसके ऊपर ब्रांडिंग आप देख सकते हैं नोवा ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं इसके सामने की तरफ और इसके साइड में देख सकते हैं। ये QR कोड आपको दिया गया है जिसको स्कैन करके आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपको इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी मिल जाएगी। इसका ये प्राइस देख सकते हैं, इसका प्राइस अगर आप देखें तो इस पे लिखा हुआ है 2599, मतलब कि 2600 रुपये, लेकिन अगर आप उनकी वेबसाइट से इसको जाके खरीदते हैं तो फिलहाल आपको ये 1999 में मिलता है, मतलब कि 2000 रुपये में मिलेगा। बॉक्स को ओपन करते ही आपको फोम मिलता है चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है अगर उनको एक्सट्रीम शॉक लगता है तो हो सकता है वो शायद डैमेज हो जाए। और ये नोवा ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल है, पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। इसकी जो हाउसिंग है वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए इसको 100% वाटरप्रूफ बनाया गया है। ये इसके कपलर्स हैं, अगर आप इसको देखें तो ये एक तरफ से मेल है एक तरफ से फीमेल है। ये कपलर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपको अपने हेडलाइट के हाउसिंग में मिलेंगे। ये आपको LED बल्ब मिलते हैं, इसमें सामने की तरफ आपको नोवा ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक एक पार्ट है वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। LEDs, वायर और ये जो मॉड्यूल है 100% मेड इन इंडिया है। और अगर आप इसको निकाल के देखते हैं इसके फोम से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 11 LEDs इसमें लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट LEDs हैं, अभी आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कितनी ब्राइट LEDs हैं और ये स्टॉक जो बल्ब है उसके मुकाबले कितना आपको ब्राइटनेस ज़्यादा देती हैं। इसका जो डिज़ाइन है या फिर जो इसकी हाउसिंग है, जो इसका लगाने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम है जैसा रॉयल एनफील्ड में बल्ब लगे हुए हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, जैसे कि आप अपने घर में नॉर्मली CFL या फिर बल्ब बदलते हैं। और ये साथ में आपको एक जिप टाइप भी मिलती है। मैंने पर्सनली इसका जिप टाइप का कुछ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो मेरा मॉड्यूल है वो बिना जिप टाइप के ही अपनी जगह पर फिट हो गया था। अगर आपकी हेडलाइट हाउसिंग में जगह नहीं है, आपने पहले से ही उसमें कुछ वायरिंग फिट करवाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल फॉग लाइट की या फिर कुछ और, तो हो सकता है आपको इस जिप टाई की ज़रूरत पड़े। तो चलिए इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको जो रॉयल एनफील्ड के साथ स्टॉक जो किट मिलती है वही आपको चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। और टूल किट में से भी सिर्फ आपको ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो स्टार शेप में है सामने की तरफ से। इसके अलावा आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ इस एक टूल की मदद से ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टार शेप में ये स्क्रू दिया हुआ है हेडलाइट में, ऐसा ही स्क्रू आपको हेडलाइट के दोनों तरफ मतलब कि दूसरी तरफ भी मिलता है। इसको हम सिंपली खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। दोनों तरफ से स्क्रूज ओपन करने के बाद आप इसको हेडलाइट को निकाल सकते हैं। हेडलाइट को धीरे से आप नीचे रख दीजिए, अब इसका जो मडगार्ड है फ्रंट वाला उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें दो साइड्स दी गई हैं मॉड्यूल में, एक मेल है और एक फीमेल है। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम सिस्टम, बिल्कुल ऐसा ही सेम कपलर आपको हेडलाइट की हाउसिंग में भी ढूंढना है। तो ये ब्लैक कलर के कपलर आपको देखने को मिलेंगे, आपको इन दोनों को रिमूव करना है। और तो जो ब्लैक कलर का फीमेल वाला है उसमें वाइट कलर का मेल आप कपलर अटैच कर देंगे, और जो ब्लैक कलर का मेल वाला है उसमें वाइट कलर का फीमेल कपलर आप अटैच कर देंगे। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है उसको एक सही सी जगह पे फिट कर देंगे ताकि ये ज़्यादा मूव ना हो। और ये हेडलाइट हम फिर लगाते हैं अपनी जगह पर। तो अब ये हेडलाइट लग गई है, अब हम टेस्ट करते हैं कि मॉड्यूल कैसा काम करता है। इस हैजार्ड लाइट को ऑन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्विच की ज़रूरत नहीं है, आपको जो स्टॉक स्विच मिलता है, इंडिकेटर वाला स्विच मिलता है, उसी से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं।
इसमें टोटल आपको 22 पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए पहले आपका जो इंडिकेटर है उसको राइट प्रेस करना है, फिर लेफ्ट प्रेस करना है और फिर सेंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये आपका जो मॉड्यूल है या हैजार्ड फ्लैशर है ऑन हो जाएगा। एलईडी बल्ब को इंस्टॉल करने के लिए ये इंडिकेटर के पीछे से एक स्क्रू होता है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो सामने की तरफ से फ्रंट वाला जो येलो पार्ट है इसको आप रिमूव कर लेंगे। बहुत धीरे से और हल्के से इसको निकालना है, बिल्कुल भी आप ताकत इस्तेमाल ना करें। इसको अगर आप ओपन करने के लिए ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है जो इसका हुक है, एक प्लास्टिक का छोटा सा हुक बना होता है, वो टूट जाए। वो टूटने के बाद फिर ये लूज रहेगा, फिर आप इसको इंस्टॉल सही से नहीं कर पाएंगे वापस। इसको ओपन करने के बाद ये जो दोनों तरफ वायर हैं, इसमें दो वायर्स हैं, उन वायर्स को आप निकाल लेंगे और उसके बाद ये कुछ इस तरह से पूरा इंडिकेटर बाहर आ जाता है। और ये आप देख रहे हैं ये जो बीच में सेंटर में हाउसिंग दी हुई है जिसके ऊपर जिसमें अंदर की तरफ बल्ब लगा होता है, इसको आप निकाल लेंगे। तो मैंने इसको एक प्लायर की हेल्प से निकाला है और इसको निकालने के बाद अगर आप देखें तो ये है स्टॉक बल्ब। और स्टॉक बल्ब को निकालने के लिए बिल्कुल आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो घर में एक बल्ब या फिर CFL लगाते वक्त करते हैं। आपको थोड़ा सा प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है और ये बल्ब बाहर आ जाएगा। दोनों को अगर कंपेयर करें एलईडी बल्ब और स्टॉक बल्ब को तो ये एक जैसे ही हैं, पीछे से जो इनका डिज़ाइन है सेम है, तो दोनों की ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा फर्क है, दोनों की लाइफ स्पैन भी बहुत अलग है। एलईडी बल्ब एक नॉर्मल हेलोजन बल्ब के मुकाबले 3 से 4 गुना चलता है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। इस हाउसिंग में ये एलईडी बल्ब को आप इंस्टॉल करके फिर से इसको वापस लगा देंगे। इसको वापस लगाने के बाद जो उसके वायर हमने निकाले थे शुरुआत में उसको फिर से लगाएंगे उसी जगह पर। ध्यान रखिएगा कि जो वायर जिस जगह पर लगा हुआ था सेम उसी जगह पर लगाएं। अगर आपने वायर उल्टे लगा दिए तो इंडिकेटर नहीं जलेगा, तो बेटर ये रहेगा कि आप स्क्रू को टाइट करने से पहले आप एक बार इंडिकेटर जला के देख लें कि इंडिकेटर जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। और ध्यान रखिएगा स्क्रू को आप ज़्यादा टाइट ना कीजिए क्योंकि अंदर की तरफ प्लास्टिक है, तो अगर आपने ज़्यादा ताकत लगाई तो हो सकता है जो स्क्रू है वो फिर लूज़ हो जाए और आप उसको बिल्कुल भी टाइट ना कर पाएँ। अब देखते हैं इसको ऑन करके, इंडिकेटर वाला जो बटन होता है उसको आपको पहले राइट दबाना है, फिर लेफ्ट दबाना है, फिर उसको सेंटर में प्रेस करना है। ऐसा करने के बाद आपका जो हैजार्ड मॉड्यूल है, हैजार्ड फ्लैशर है, ऑन हो जाएगा। तो ब्राइटनेस में और जो रिस्पांस टाइम है उसमें आप साफ साफ फर्क देख सकते हैं। जो बल्ब थे, स्टॉक बल्ब थे, वो बहुत स्लो जल रहे थे, उसकी ब्राइटनेस भी कम थी, और एलईडी बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस साइड से देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इसको ऑन करने के लिए पहले आपको राइट दबाना है, फिर लेफ्ट, फिर आपको सेंटर में प्रेस करना है। पैटर्न चेंज करने के लिए आपको किसी भी एक साइड, मतलब कि लेफ्ट या फिर राइट साइड दबाने के बाद सेंटर में प्रेस कर देना है, उसके बाद आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। टोटल इसमें 22 पैटर्न है, इनको आप चेंज करके देख सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप सेट कर सकते हैं। और जो आपने लास्ट पैटर्न सिलेक्ट किया था वही पैटर्न आपका सिलेक्टेड रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी इंटरसेप्टर के लिए एक हैजार्ड मॉड्यूल, एक फ्लैशर ढूंढ रहे हैं। नोवाट्रॉनिक्स बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है इसके लिए। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए रिच इंडिया मोटो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।